हेलो एवरीवन, आज का जो नाश्ता है ना वो बहुत ज़्यादा कम तेल में बना है और बहुत ही फटाफट बन जाता है। बहुत समय नहीं लगता इसे बनाने में और आप इसे जब चाहे तब बना सकते हैं और नवरात्रि फास्ट में भी आप इसे बना के खा सकते हैं। तो क्या करना है ना, सबसे पहले मैंने लिया 1 कप साबूदाना। 1 कप साबूदाना में अगर सिर्फ आप 1 लोगों के लिए बनाएंगे तो आधा ही आप बैटर लीजिएगा, मतलब आधी क्वांटिटी में लीजिएगा और 1 कप में 2 लोग खा सकते हैं। इसमें मैंने 2 आलू डाले हैं तो आलू को छील लिया है, काट के मैंने पानी में रख दिया जिससे कि ये लाल ना होने पाए। तो दोनों आलू को काट के पानी में काट लेंगे क्योंकि अभी हमें साबूदाना को रोस्ट करना है। तो क्या करेंगे, आप गैस पे एक पैन चढ़ा दीजिए, किसी भी चीज़ में, मतलब कढ़ाई में, पैन में, जिसमें भी आप करना चाहते हैं उसमें आप साबूदाना को डाल दीजिए। 4 मैंने हरी मिर्च लिए, इसको भी साबूदाने के साथ ही पीसना रहेगा। और मूँगफली डाल दिए, मूँगफली पहले से भुनी हुई थी लेकिन मैंने फिर भी डाल दी कि थोड़ी सी और रोस्ट हो जाएगी, क्योंकि रखी थी तो सील गई थी। और सभी को हमें जब तक साबूदाने का कलर ना चेंज हो ना तब तक हमें इसे अच्छे से भून लेना है और फिर ठंडा होने के लिए रख देना है। मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेगा, पंखे के नीचे रख दीजिए, ये ठंडा हो जाएगा। और जैसे ही ये ठंडा होगा ना उसके बाद ही हमें इसे पीसना है। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक क्या करते हैं, जो आलू हमने कट करके रखे थे वो आलू पीस लेते हैं। मिक्सी जार में आलू बहुत आसानी से पीस जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। बस ये ध्यान रखिएगा ना कि कहीं भी आलू के डले ना रहे, मतलब कि साबुत क्वांटिटी में ना रहे, पूरा अच्छे से ग्राइंड हो जाए। तो देखिए कितने अच्छे से पीस किया है, आलू बहुत इजीली पीस हो जाता है क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है। और सेकंड बैच भी मैंने इसी तरीके से पीस लिया है। और इसको बनाना ना बहुत ज़्यादा आसान है, आप जब चाहे तब, अगर आप ज़्यादा सा साबुदाना पीस के रख लेंगे ना तो आपको जब भी पराठा बनाने का मन हो या इस तरीके से बनाने का, नाश्ता बनाने का मन हो ना, तो आप बना सकते हैं। और देखिए आलू हमारा बहुत ही अच्छे से पीस गया है। तो अब क्या करना है, साबूदाना और मूंगफली जो हमने ली थी ना ये भी पीस लेनी है, और जो मिर्च हमने भून के रखी हुई थी ना वो हमें आलू में ही पीसनी थी पर मैं भूल गई थी पीसना, तो मैंने बाद में काट के डाल दी थी। और अब मैंने साबूदाना भी पीस लिया है, साबूदाना मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा था तो मैंने क्या किया, एक जो स्टार्टिंग में पीसा ना वही मैंने उतना ही डाला है और बाकी मैंने रख दिया। पहले जो मैंने पीसा था तो हल्का सा मुझे दरदरा लग रहा था, फिर मैंने दोबारा से पीसा तो बहुत अच्छे से ये बारीक हो गया था। अगर थोड़ा बहुत दरदरा भी होगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसे अच्छे से आलू में मिक्स कर लेना है और ढक के 10 मिनट रख देना है। इसलिए रखना है क्योंकि सूजी की तरह ये भी थोड़ा सा पानी अब्जॉर्ब करता है। तब तक क्या करेंगे, हम बिल्कुल इंस्टेंट सी खीर बनाएंगे जो बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो मैंने बिल्कुल गर्म दूध लिया है, इतना भी गर्म मत लीजिए, बिल्कुल खौलता कि आप जब उसमें गुड़ डालें ना तो वो फट जाए। आप थोड़ा सा, मतलब दूध को ना गर्म होने के बाद 1 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दें, उसके बाद उसमें गुड़ ऐड करें तो गुड़ मेल्ट हो जाएगी अच्छे से। तब इसमें हमने ये जो रामदाना होते हैं ना, भुने हुए मार्केट में मिलते हैं, इसे चौराई भी बोलते हैं, तो जो भी आप क्या बोलते हैं बोल के आप ले आइए। और इसे भी दूध में मिक्स कर दीजिए और अब इसे हम ऐसे ही रख देंगे। अब ये हमारी इंस्टेंट खीर बन के रेडी हुई है ना, जो वो खाने में बहुत टेस्टी लगती है, आप ज़रूर से ट्राई करके देखें। और इधर थोड़ा सा मैंने बैटर में नमक डाला, देखिए बैटर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था, इसमें पानी ऐड करना पड़ेगा। और इस तरीके से कंसिस्टेंसी में आप इसे ले लीजिए। फिर इसके बाद आपको चढ़ाना है, कोई भी नॉन स्टिक पैन चढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि जो साबूदाना होता है हल्का सा स्टिकी होता है। इस पर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला और इसके बाद डाला थोड़ा सा वाइट तिल, करी पत्ता, और डाला इसमें जो हमने बैटर बनाया था आलू और साबूदाने का। कोई भी एक्स्ट्रा इन्ग्रीडियंट्स नहीं पड़ते हैं, पीनट्स इसलिए डाल दी कि थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आता है। इसके बाद हम इसे थोड़ा सा फैला लेंगे और ये पैनकेक्स या चिल्ला आप जो भी बोल सकते हैं से बोल सकते हैं। बहुत ही ईजी बनाना, झटपट बन भी जाता है और बहुत ही कम ऑयल में बनता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्रत में ना तला हुआ खाने का रोज़ रोज़ इच्छा नहीं होती है, कभी कभी मन होता है कुछ हल्का सा हो। तो बिल्कुल हल्का सा ही नाश्ता है, आप कभी भी किसी भी टाइम व्रत में, इवनिंग में या दिन में, जब भी आपका मन हो आप बना सकते हैं। मैंने ना स्पैचुला को गीला करके, मतलब पानी में भिगो के तब इसे कट किया तो बहुत ईजिली कट हो गया, वरना ये चिपकता है। तो ये हमारे जो आलू और साबूदाना के सिंपल से चीले हैं ना, ये बनके रेडी हो गए हैं, जिन्हें बनाना बहुत इजी है। तो सबसे पहले भगवान का भोग लगाया, तब तक मैंने सेकंड बैच रख दिया था बनने के लिए। मैंने सिर्फ 2 ही बनाए थे क्योंकि सिर्फ मुझे खाना था और किसी को नहीं खाना था। तो गर्मा गर्म हम देखिए खीर भी कितनी गाढ़ी हो गई है, कितनी अच्छी लग रही है देखने में, खाने में बहुत टेस्टी लगती है, ज़रूर से खीर तो आप ज़रूर से ट्राई करके देखें। और सारे मेरे जो चिल्ला हैं ये भी बनके रेडी हो गए हैं, बहुत टेस्टी बने थे, तो ज़रूर से ट्राई करें। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।